अब हम बात करते हैं 7 जुलाई की, और ये आपका डेली राशिफल है, ये आज का लव एंड करियर राशिफल है। और हम अपने पुराने फॉर्मेट पर वापस आए हैं इसमें, जो हमारा फॉर्मेट है कि एक कैप्शन होना जरूरी है, राइट, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। तो आज का कैप्शन है हमारा, किसी ने बड़े प्यार से आपको पुकारा है। किस किस को पुकारा है इनकी बात करेंगे, और ये कौन है पुकारने वाले इनकी भी बात हम करेंगे आज के दिन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से, जहाँ पर ये रेनबो है वहीं पर आपकी राशि आएगी। तो मेष राशि वालों से शुरू करते हैं। देखो भाई मेष राशि वालों, आज के दिन में अगर लव के हिसाब से देखें तो यह है कि आप देखिए शादी तो करना चाहते हो, बट यह है कि करियर का अभी कुछ अता पता शायद नहीं हो, या हो भी गया हो तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अभी कुछ चल रही है, ठीक है। और ये है कि आपकी जो बॉन्डिंग है अपने आने वाले इन लॉज के साथ में, वो बड़ी शानदार रहेगी, और उन्हीं में से ही जो है कोई आपको बड़े प्यार से पुकारता है। हो सकता है उन्होंने आपको ऑलरेडी कोई निकनेम भी दे रखा हो। ये हुआ आपका लव का। अब करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप HR में हैं, टीचिंग में हैं, या आप क्राफ्ट आर्ट में हैं, तो आज के दिन जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अगली राशि की, जो कि है हमारे टॉरस के साथी, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के साथी। प्रेम संबंधों को लेकर के अगर हम बोलें कि भाई ये दिन जो है कैसा है, तो ये दिन जो है एक तरीके से आप बैलेंसिंग एक्ट करते हुए इसमें मिलेंगे, आप बैलेंस करेंगे चीज़ों को। और रही बात आपको प्यार से पुकारने की, तो लोग आपको कोई ना कोई जो है निकनेम आपको दे ही देते हैं, और आज के दिन में भी कोई जो है प्यार भरा कोई निकनेम आपको मिल सकता है, या कोई आपको प्यार से किसी और नाम से भी बुला सकता है, ठीक है, या कोई बोल सकता है कि आप जिद्दी हो या आप कुछ इस तरह से हो, इस तरह की कोई चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और आज के दिन में आप अपने आप को बढ़िया जो है काम पर फुल ऑफ एनर्जी हैं, आप बिल्कुल शानदार तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेमिनी मिथुन राशि के साथी। मिथुन राशि के साथियों को लव के मामले में आज के दिन में जो है बहुत ही बढ़िया सहयोग मिलेगा लोगों का, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या कुछ और है तो आपको ये यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके इन लॉज हैं वो भी आपको प्यार से कुछ ना कुछ नाम आपको पुकारेंगे आज के दिन में, आपको फ़ोन आएगा या वो आपको ऑलरेडी पुकारते होंगे, लेकिन आपको बड़े प्यार से आज आपको बात की जाएगी आपके साथ में, ये बढ़िया वो है। करियर के फ्रंट पर जैसा कि आप बड़े बड़े ग्रुप्स को संभालने में सफल होते हैं, वैसे ही जो है आज का दिन भी आपका काफ़ी जो है दिन कोऑर्डिनेशन में जाने वाला है। नेक्स्ट है कैंसर, कर्क राशि वाले देखो भाई, आपके कुछ रिलेशनशिप अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुए हैं, तो प्यार का नया नया मामला है, नया नया जो है वो है। आप जो भी आपसे ये प्रेम करने वाले हैं वो आपको एक प्यार भरा नाम जरूर देंगे, और जब भी आपको बुलाते हैं तो लगता है कि भाई बड़ा ही अच्छा वो है। जैसे किसी ने एक को बुलाया था, उसने कहा नहीं सुनो खाली अच्छा नहीं लगता। ये कर्क राशि वालों का मैं आपको बता रहा हूँ, कर्क राशि वालों को कहा कि ये सुनो जो है खाली अच्छा नहीं लगता, इसके एंड में ना आप जी और लगा दो बस, मतलब हम खुश हो जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, तो सुनो जी, आप जो है वो उसको सुन के बड़ा खुश होते थे। जब भी वो उनकी महिला मित्र थी वो उनको बुलाती थी सुनो जी, तो ऐसा लगता था जैसे वाइफ हस्बैंड को बुला रही है ना, तो बड़े खुश हो जाते थे वो। तो ऐसा ही जो है कहानी आपके साथ में आज के दिन में हो सकती है। करियर के फ्रंट पर आप जो है कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं जिनको आप धीमे धीमे सुलझा रहे हो, और काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझा भी चुके हो। और देखिए अभी आने वाले टाइम में कुछ पार्टनरशिप इक्वेशन कुछ इस तरह की चीज़ें बनने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लियो सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों देखो भाई, आज के दिन में क्या है कि मामला तो दिन तो बढ़िया है, ठीक है, पुरानी जो आपकी शक करने की आदत है थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके ये जो जिनसे भी आप प्रेम करते हो या जो आपके आसपास जो भी आपके प्रेमीगण हैं वो हमेशा आपको कोई ना कोई निकनेम से बुलाते हैं, कोई बाहुबली बुला लेगा, कोई आपको
कोई आपको जिद्दी जिद्दी बोलेगा या कुछ ना कुछ इस तरह का आपको जरूर, लेकिन आज के दिन में आपको ये प्यार से जो है कुछ दो शब्द सुनने को जरूर मिलेंगे। नाउ कार्य के स्थल पर जो है आज के टाइम में आज आप नए लोगों से मिलेंगे। अगर आप सेल्स में हैं तो नए किसी बिजनेस में आप उसको बढ़ोतरी करवाएंगे और इस तरीके से आपकी कंसल्टिंग जारी रहेगी। नेक्स्ट है कन्या राशि के लोग। अब भाई कन्या राशि के लोग बड़ी जो है तमन्नाएं दिल में लेके बैठे होते हैं, है ना। अब ये है कि अगर आप अगर ये जब प्रेम में होते हैं और स्पेशली नए नए प्रेम में होते हैं तो इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि इनके दिल में कई तरह की उमंगें जन्म लेती हैं और ये भी जो है अपने जिनसे भी प्रेम करते हैं उनको बड़े प्यार से बुलाते हैं और कभी भी जब तक जो है प्रेम थोड़ा सा मैच्योर ना हो जाए इनका गुस्सा नहीं दिखता, लेकिन जो है आज के दिन में आपको ये प्यार भरे शब्द कोई प्यार से आपको जरूर बुलाएगा। कार्य के स्थल पर भी ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं। हो सकता है कोई आपको फ़ोन करके सिर्फ आपको आपके जो इनिशियल्स हैं उनसे भी आपको बुलाए, जैसा नाम जैसे आपका नाम सुनील कुमार है तो कोई आपको ये भी बोल सकता है फ़ोन करके हेलो एस के हाउ आर यू, है ना। तो ये वाली कहानी भी हो सकती है, लेकिन वो एस के जिस तरीके से वो बोलेंगे वो काफ़ी जो है मतलब एक अलग तरीके से सुनने को मिलेगा आपको। मैंने काफ़ी लोगों को जब वो फ़ोन पे बात करते हैं तो बड़े अलग तरीके से बड़ी एनर्जी डाल के बात करते हैं, थोड़ा सा वो लैंग्वेज पोएटिक लैंग्वेज होती है। जैसे किसी को फ़ोन किया आपको, जैसे कन्या राशि वालों को ही कोई फ़ोन करे और आपको सिर्फ एस के ही बुलाना है उनको, तो वो बोलेंगे हेलो एस के हाउ आर यू, तो मतलब इस तरीके से बड़े आराम आराम से बड़े धीमे धीमे आपको सुनने को मिलेगा, आपको वो कर्णप्रिय होगा, वो अच्छा लगेगा सुनने में, तो इस तरह की चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन जो है बढ़िया दिन है और जो है कुछ आपने प्रोमिस कर रखे हैं भाई, उन प्रोमिस को आपको याद दिलाया जाएगा कि आप जो है प्रोमिस जो है पूरा कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बड़ी जो है सेंसिबल चीज़ें रहेंगी आज के दिन में आपकी लाइफ में। कार्यस्थल पर जो है बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप किसी भी तरह का आर्ट क्राफ्ट या एग्रीगेटर इस तरह का कोई भी काम करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के बढ़िया बढ़िया चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। अब ये वृश्चिक राशि वालों की क्या कहानी है? वृश्चिक राशि वालों की कहानी ये है कि वो प्रेम में जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से या पूरी तरह से इस समय लिप मतलब लगे हुए हैं और यानी कि बिल्कुल जो है वो रिलेशनशिप के मध्य में है। अब रिलेशनशिप का जो मध्य होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, तो यहाँ पर इंटेंस रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बढ़िया जो है दिन आपका जाएगा और आपके जो भी आपके साथी हैं ये भी आपको किसी न किसी नाम से या कोई ना कोई बड़े प्यार से आपको पुकार सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा आपके लिए कैरियर का मामला, तो कैरियर जो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों बढ़िया है। अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर आपका हिसाब किताब बनेगा आज के दिन में। धनु राशि वालों, सेजिटेरियस, धनु राशि वालों आज के दिन में आपकी किसी से बढ़िया मुलाकात हो सकती है, किसी नए से कोई नए किसी पार्टनर से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और वो बड़े प्यार से जो है आपका नाम पुकारेंगे, आपको लगेगा कि शायद आपने ये इस तरह से नाम पहली बार सुना है, ठीक है। और जो भी है आप देखिए आज के दिन में आपके लिए बढ़िया है। अगर आप कोई भी गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो भाई थोड़ा ध्यान से चलाओ, ठीक है। कुछ मामलों में कार्यस्थल पर रुकावट आने की संभावना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोग। अब भाई मकर राशि के लोगों क्या चल रहा है, तो मकर राशि के लोगों की भाई लाइफ जो है लव लाइफ बहुत ही एक तरीके से उथल पुथल भरी चल रही है, इसमें हर रोज़ एक नई कहानी आती है। अब नई कहानी के चक्कर में कोई नया भी आ जाता है तो वो जो है आपको बड़े प्यार से पुकारेंगे आपको। और कार्य के स्थल पर जो है आपको बढ़िया जो है डील अच्छी हाथ लगेंगी आपके, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या कुछ इस तरह का डीलिंग करते हैं तो उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोगों को कोई ना कोई हर एक व्यक्ति अलग अलग नाम से जानता है इनको, कोई इनको किसी नाम से जानता है कोई इनको किसी नाम से जानता है, ठीक है। अब जो है लेकिन और इनको जितने भी लोग बुलाते हैं वो बड़े प्यार से ही बुलाते हैं, इनको अपना नाम कर्कश तरीके से सुनने को कभी नहीं मिलता।
और आज के दिन में भी आपको ये लोग आपको प्यार से बुलाएंगे और आपको गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं और पुराने साथियों से भी मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर नए नए लोगों से मिल करके आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं पाइसस मीन राशि वालों। मीन राशि वालों भाई देखो, आप चल रहे हो थोड़े बहुत भटके हुए, ठीक है, अखे भाई हमको किस तरफ जाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा निर्णय लीजिए और सही जो है मुकाम पर पहुंचिए। ठीक है, आप जिनके भी साथ आप पहुंचना चाहते हैं वो आपको आज बड़े प्यार से जो है आपको आपका नाम पुकारेंगे या आपको कोई ना कोई नया निकनेम भी दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और कार्यस्थल पर सब कुछ पॉजिटिव है, एकदम बढ़िया चला रहे हैं, एकदम बढ़िया जो है आपका करियर चल रहा है और किसी भी तरह का रिस्क ना लें फाइनेंशियल लेवल पे। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।